नमस्कार। आज प्याज की सब्जी बनाएंगे। जब घर में कोई सब्जी ना हो तो बरसात में आप प्याज की सब्जी बना सकते हैं। ग्रेवी के लिए 2 प्याज, 2 टमाटर, थोड़ा लहसुन, मिर्च और अदरक ले लेंगे। और जो प्याज की सब्जी बनानी है उसके लिए प्याज को इस तरह से छीलकर बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। 4 पीस में काटेंगे, जो थोड़ा बड़ा है उसको 6 पीस में काटेंगे। इस तरह से सारे प्याज को काट लिया है मैंने। कढ़ाई गरम करेंगे, प्याज को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, जिसका कि हम ग्रेवी बनाने वाले हैं। इसमें सरसों तेल 2 चम्मच डाल देंगे, जीरा तड़का लेंगे, 1/2 टीस्पून हींग डालेंगे। अब इन सबको थोड़ा पकने देंगे। एक लाल मिर्च तोड़कर डाल देंगे। जब लाल मिर्च थोड़ा पक जाएगा तब हम इसमें कटे हुए बारीक प्याज डालेंगे। प्याज मैंने 2 प्याज काटा है, इसको इस तरह से थोड़ा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। अब इसमें कटे हुए लहसुन डालेंगे। लहसुन का आप पेस्ट भी डाल सकते हैं इस जगह पर। अब इसे थोड़ा भून लेंगे। थोड़ा जब यह भून जाएगा तब इसमें कटे हुए अदरक डालेंगे। अदरक को बारीक काट लेंगे। हरी मिर्च 5-6 लिया है मैंने, कुछ लंबाई में कुछ गोलाई में काट लिया है। इन सबको जो प्याज भून रहे हैं हम उसमें उसमें डाल देंगे। अब इन सबको अच्छा भून लेंगे, थोड़ा ढक कर भी पका लेंगे। जब तक कि प्याज सॉफ्ट हो रहा है तब तक इसे अच्छा पका लेंगे। जब यह पक रहा है तब हम इसमें नमक स्वाद के हिसाब से डाल देंगे। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे। धनिया पाउडर 1 1/2 टीस्पून डालेंगे। जीरा पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून डालेंगे। अब इसमें 2 चम्मच बेसन डाल देंगे, इससे ग्रेवी अच्छा बनेगा। इस तरह से हम डालकर इसे भूनेंगे। अब 2 टमाटर भी काट लेंगे, इसे भी भूनते हुए मसाले में डाल देंगे। अब इन सबको अच्छा भूनेंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे चलाते हुए अच्छा भून लेंगे। थोड़ा दबा दबा कर भी भूनेंगे ताकि ग्रेवी अच्छा तैयार हो। इस तरह से टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, अच्छा भुना गया है। अब इसमें 4 चम्मच के करीब दही फेंट कर मिला देंगे। अब इसे थोड़ा चलाते रहेंगे, नहीं तो दही फट जाएगा। अब इसे इसी तरह से भूनेंगे। जब थोड़ा देर यह भून जाएगा तब इसे थोड़ा ढककर और पका लेंगे। जब यह अच्छा मसाला हमारा पककर रेडी हो जाएगा, मसाले से ऑयल रिलीज होने लगेगा, तब यह मसाला भूनकर रेडी हो जाएगा। अभी इसे थोड़ी देर और भून लेते हैं। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें जब ऑयल छूटने लगा है तब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। इसे भी थोड़ा भून लेंगे। 2 मिनट तक ढककर इसे भी पका लेंगे। जब ये थोड़ा पक जाएगा तब इसे और भी अच्छा से पक जाने के लिए पानी डाल देंगे। तो मैंने दही वाले कटोरी में ही पानी डालकर इसमें मिला दिया है। आप अलग से भी पानी डाल सकते हैं। अब इसे पका लेंगे। जब तक कि प्याज अच्छा पक नहीं जाता है इसे अच्छा पकने देंगे। यह थोड़ी ही देर में अच्छा पककर रेडी हो गया है। यह सब्जी बहुत ही अच्छा बना है। इसे धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे। यह सब्जी जब आपके पास बरसात में कभी कभी सब्जी नहीं होता है तब आलू प्याज तो होते ही हैं घर में, तो उस टाइम पर आप प्याज की सब्जी बना सकते हैं। यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप रोटी, पराठे, चावल, दाल किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है सब्जी। इसे आप आसानी से बना सकते हैं और यह खाने में भी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो इस सब्जी को आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। काफ़ी टेस्टी बना है सब्जी और यह हेल्दी भी है, खा सकते हैं।